काशीपुर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों व नगर प्रशासन के साथ बैठक कर यात्रा का रोड मैप तैयार किया ताकि यात्रा में किसी किस्म का कोई व्यवधान न हो। पुलिस और प्रशासन की बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात संचालन व शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपसी सामंजस्य को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान जल संसाधन, नगर निगम आदि यात्रा संबंधित विभागों के अधिकारियों से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रूट प्लान के संबंध में वार्ता हुई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा का रूट पूर्व की तरह रहेगा और यात्रा में भंडारों आदि की परमिशन पर भी उच्च ध्यान दिया जाएगा। शिवरात्रि कांवड़ 29 तारीख से शुरू है और मुख्य रूप से 1 तारीख से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तारीख के मध्य में जब शिवरात्रि का दिन है कांवड़ बढ़ने की संभावना है और उसी बीच में लास्ट के 3-4 डेज जो डार्क कांवड़ का भी रहता है। विगत वर्ष भी हमने यातायात को लेकर के प्लानिंग करी थी और कांवड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रैफिक प्लानिंग, और ट्रैफिक अगर अच्छे से प्लान हो जाए और कांवड़ी अपना सकुशल अपने गंतव्य तक जाए तो कोई इस तरह से इश्यू नहीं रहता। उसी संदर्भ में यातायात को प्लान करने के लिए जरूरी है कि हमारे यातायात से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और जो भी स्टेक होल्डर है जैसे PWD हो गया, चाहे हमारे जल संस्थान के लोग हो गए, नगर निगम के लोग हो गए, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, तो सबके साथ एक हमने संयुक्त रूप से मीटिंगें करी हैं जिससे कि जो भी आवश्यक वहाँ पे तैयारियाँ हों रूट के स्तर पे, मांस मदिरा की दुकानों के लिए क्या हमारे प्रावधान रहेंगे, डाइवर्जन हम कहाँ से लागू करेंगे, जो भंडारों की परमिशन आएगी उसको किन शर्तों के आधार पर परमिशन देना है और उन भंडारों को किस तरीके से वहाँ से इस्टेब्लिश कराना है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारे द्वारा मीटिंग की गई है और होपफुली 24 आवर में हम इन सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लेंगे और विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी हमारे द्वारा कांवड़ को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।